मेरा नाम पीयूष है। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। इस स्टोरी को मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आपसे कुछ डिस्कस करना है इस स्टोरी के बाद। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जब 13 से 15 साल के थे, तब उन्होंने 15 से 20 विद्यार्थियों के साथ मिलके एक मोर्चा निकाला और उस मोर्चे में भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और इसके बाद आपको पता ही होगा, उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था। इसके बाद पुलिस आके उनको पकड़ के ले जाती है और जज के सामने पेश करती है। जज उनसे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद अपने बिंदास अंदाज में बोलते हैं, मेरा नाम आज़ाद है। जज इस पे गुस्सा हो जाता है और उनसे फिर से क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और जज बहुत ज़्यादा गुस्से में ऊपर से नीचे उनको देखता है और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं, मेरा घर जेल खाना है। दोस्तों, इस बात पे उस जज ने चंद्रशेखर आज़ाद को सजा दी 20 कोड़ों की। और 20 कोड़े खाने के बाद वो तब भी हमारे देश के लिए आगे बढ़ते रहे और अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश के लिए। दोस्तों, मैं ये स्टोरी आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि देश को 70 साल होने के बाद हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपना वोट, दोस्तों हम अपना वोट उन लोगों को देते हैं जो इस देश को बेचना चाहते हैं और इस देश में काला बाजारी, भ्रष्टाचार लाते हैं। हम ऐसे लोगों को वोट ना देके उन अच्छे लोगों को वोट दें जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब दोस्त, रहा सवाल ये कि हम कैसे जाने वो लोग अच्छे कैसे हैं? पहले हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। वोट डालने से पहले हम रिसर्च करें कौन अच्छा है कौन बुरा है। दोस्तों, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। आपके हाथ में है इस देश को बचाना, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम भारत में रहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, हम सब भारतीय, हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहाँ पे जनता ही राजा है और हम उन रंक को, उन बेकार लोगों को राजा बना देते हैं अपनी वोटिंग के जरिए, जो लोग इस लायक नहीं हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस असेंबली इलेक्शन में, इस इलेक्शन में आप उन लोगों को ही वोट दें और उन लोगों को ही सपोर्ट करें जो इस लायक हैं कि देश को कुछ करने, देश के लिए कुछ करें। ऐसे लोगों को ही वोट दें। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि आपके क्षेत्र में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे प्रत्याशी बेईमान और करप्टेड हैं, तो कृपया आप नोटा वाला बटन दबाएं। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ अबव। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, याद रखिएगा, ये देश आपका है, आप इस देश के शासन को चला रहे हैं। जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन इस देश को पलट देगी। कुछ करने का हिम्मत रखिए और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।